हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शर्मिष्ठा। आज मैं आपके साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक स्पाइसी पनीर रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। इस रेसिपी के लिए एक स्पेशल कढ़ाई मसाला यूज़ किया जाता है, जिससे इसका टेस्ट बाकी पनीर रेसिपी से डिफरेंट और स्पाइसी हो जाता है। और ये डिश रोटी, पराठा, नान, स्टीम्ड राइस, पुलाव किसी के भी साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और लिया है थोड़ा सा कैप्सिकम और प्याज। ये कैप्सिकम, प्याज, पनीर सारी चीज़ों को मैं ऐसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 4 ड्राई रेड चिली। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली है तो आप उसे यूज़ कीजिए, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। मेरे पास नहीं है तो मैं नॉर्मल रेड चिली ही यूज़ कर रही हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐसे राफली चॉप किया हुआ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐसे राफली चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। लगेगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। अगर आप कढ़ाई मसाला में कश्मीरी रेड चिली यूज़ किया है तो यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और हनी 1 टीस्पून, इसके जगह पे आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और लगेगा थोड़ा सा धनिया पत्ता। और इस रेसिपी में रिफाइंड ऑयल के साथ साथ मैं थोड़ा सा बटर यूज़ करूँगी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी लगेगा। सबसे पहले मैं कढ़ाई मसाला रेडी करूँगी, उसके लिए फ्राई पैन को गरम करके उसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। अब लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए सारे मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो मैंने इन सारे मसालों का एक पाउडर बना लिया है। लेकिन एकदम फाइन पाउडर मैं नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। कढ़ाई मसाला रेडी है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कढ़ाई को मैंने गरम करके इसमें तेल डाल दिया है 1 टेबलस्पून। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब इन सबको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी जब तक टमाटर और प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे मैं ढक के पकाऊंगी और बीच बीच में इसका ढक्कन हटा के चलाते रहूंगी। 5-6 मिनट बाद ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसे ठंडा करके इसका एक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए पेस्ट भी रेडी है, ये एकदम थिक पेस्ट है क्योंकि इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अब उस सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी पनीर, कैप्सिकम और प्याज। अब इन सबको थोड़े समय के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करना है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कढ़ाई मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अब सब कुछ अच्छे से फ्राई करना है। आप इस तरह कढ़ाई को हिला के भी इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर स्पैचुला के मदद से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पनीर टूट ना जाए। सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब उस सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। गरम तेल में अगर आप हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आप ऐड करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 10-15 सेकेंड्स बाद इसमें मैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसे तेल में अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कढ़ाई मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करके और 3-4 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूंगी। सब कुछ अच्छे से फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर, कैप्सिकम और प्याज। मिक्स कर दूंगी अच्छे से सब कुछ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम पानी। मैं 1/2 कप पानी का यहाँ पे यूज़ किया है, ज़्यादा ग्रेवी इस रेसिपी में अच्छा नहीं लगता है। पानी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
अब इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक और हनी। अब सब कुछ मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक के 4-5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन खोल रही हूँ। ये ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट लास्ट में थोड़ा सा काम बचा है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ता। अब फाइनली सब कुछ एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक के गैस की फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पर रखूंगी। 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ। गरम गरम रोटी, पराठा, पुलाव, चावल किसी के भी साथ आप इसे सर्व करेंगे तो ऑसम लगेगा। ये जो रेसिपी है बहुत स्पाइसी है और बहुत ही डिफरेंट है इसका टेस्ट। आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।